आज 100वीं जयंती के अवसर पर इस तरह का सम्मान मिलना ये बड़ी बात है। बिहार की ओर से हम अपने पार्टी की ओर से केंद्र सरकार को धन्यवाद देते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज, में हूँ प्राची सिंह। जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न से सम्मानित किया जा रहा है। जी हाँ, देर शाम मंगलवार को केंद्र सरकार ने घोषणा की कि 100वीं जयंती पे उन्हें सम्मानित किया जाएगा, भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। ऐसे में बिहार सरकार की मंत्री लेसी सिंह कहती है कि हमारी सरकार 2007 से ही मांग कर रही थी केंद्र सरकार से कि जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न से सम्मानित किया जाए। आगे क्या कुछ कह रही लेसी सिंह, पहले उनकी बातों को सुनिए। बिहार ही नहीं, देश के ये लाल थे, गुदरी के लाल, जिन्होंने कि शोषित दलित वंचितों महिलाओं के लिए पूरे जीवन पर्यंत संघर्ष किए और उनके लिए काम किए, और उनके पद चिन्हों पर हमारी सरकार, हमारे नेता माननीय मुख्यमंत्री जी चल रहे हैं, उनके अधूरे सपने को पूरा कर रहे हैं। तो आज 100वीं जयंती के अवसर पर इस तरह का सम्मान मिलना ये बड़ी बात है, और इसके पीछे हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी 2007 से लगातार जो उस समय की वर्तमान सरकार थी उनसे अनुरोध कर रही थी, पत्र के माध्यम से उनसे लगातार अनुरोध कर रही थी। तो आज ये सपना साकार हुआ है, बिहार के लोगों की अपेक्षा पूरी हुई है। हमारे नेता ने जो मांग किए थे उस मांग को केंद्र की सरकार ने ये पूरा किया है, जिसके लिए बिहार की ओर से हम अपने पार्टी की ओर से केंद्र सरकार को धन्यवाद देते हैं। बिहार में ठीक चल रहा है, सब चीज ठीक है यार, ये विधानसभा भंग हो सकता है, सब चीज ठीक है, सब चीज ऑल इज वेल। नीतीश कुमार के दो ट्वीट कल सामने आते हैं, एक जगह पर उन्होंने कहा कि हमारी मांग जो थी वो पहले से थी, दूसरी तरफ धन्यवाद भी दे रहे हैं, कैसे देखते हैं दोनों अलग अलग? नहीं, कोई भी यदि मांग, जो भी केंद्र में सरकार रहती है चाहे किसी भी दल की सरकार, तो जो देने के अधिकारी है वही दे सकते हैं। हमारी पार्टी तो केंद्र में सरकार में है नहीं, जो केंद्र में सरकार रहती इससे पहले 2007 में जो वर्तमान सरकार थी उनसे मांग कर रहे थे। जो सरकार इस काम को किए, 100वीं जयंती के अवसर पर ये सबसे सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मान किए, तो ऑटोमेटिक धन्यवाद देंगे, बधाई देंगे, तो स्वाभाविक प्रक्रिया है। क्रेडिट किसे देना चाहिए, जदयू आरजेडी या केंद्र सरकार को? क्रेडिट किसे मिलना चाहिए, जदयू आरजेडी या केंद्र सरकार को? देखिए, हमारे नेता उनके पद चिन्हों पर उनके संकल्प को जमीन पर उतारे हैं और लगातार मांग कर रहे हैं, तो हमारे नेता, हम लोग तो मांग कर ही रहे हैं, तो आज पूरा हुआ है, तो इसमें कहीं ना कहीं हम लोग के नेता की जो भूमिका रही है उनको सर्वोच्च सम्मान दिया जाए, वो मिला है, और उनके पद चिन्हों पर भी चल रहे हैं। साफ तौर पे कहा कि नीतीश कुमार 2007 से ही केंद्र सरकार से मांग कर रहे थे कि जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न से सम्मानित किया जाए, और आज मैं खुशी व्यक्त करती हूँ, केंद्र सरकार को धन्यवाद अर्पण करती हूँ कि वह आज भारत रत्न से सम्मानित कर रहे हैं। तो ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहे देशवा न्यूज, धन्यवाद। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।